हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिंक ग्लो चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाना मत भूलिए। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुफ्त में पाने के लिए। किसी भी बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान माना जाता है। अगर आप भी नई नई माँ बनी हैं तो आप भी चाहती होंगी कि अपनी न्यू बेबी को पर्याप्त स्तनपान करा सकें, ताकि आपका बेबी हंसता खेलता रहे और तंदुरुस्त भी रहे। हर एक माँ को कम से कम 6 मंथ तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर देना चाहिए और इस दौरान बाहर का कुछ भी ना खिलाएं अपने नवजात शिशु को। माँ का पहला दूध बच्चे को जीवन भर कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है, लेकिन कई बार कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क में कमी हो जाती है, जिस कारण बच्चे और माँ दोनों के लिए एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ अपने ब्रेस्ट मिल्क को नेचुरली तरीके से कैसे बढ़ा सकती है ताकि नवजात शिशु को भरपूर पोषण मिल सके। अगर आप भी अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाना चाहती हैं तो अपनी भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन विटामिन से युक्त आहार को शामिल कीजिए, जैसे साबूदाना। प्रायः साबूदाना को जब फास्टिंग करते हैं तभी खाते हैं, लेकिन साबूदाना ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। आप साबूदाना को 2 से 4 घंटे तक पानी में भिंगोकर रख दें, फिर इसे दूध के साथ पकाएं। इसमें चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स डालकर पकाएं। इसके सेवन से आपका ब्रेस्ट मिल्क तेजी से बढ़ेगा। इसके बाद है मसूर दाल का सेवन। मसूर दाल भी सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है माँ के दूध को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मसूर दाल में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए आप मसूर दाल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, यह न्यू मदर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद है जीरा। डिलीवरी के बाद जीरे का सेवन करने से यह ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता ही है, साथ ही यह डिलीवरी के बाद आपके बेली फैट को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो जीरा खाने से एक साथ 2 फायदे मिल सकते हैं आपको। इसके लिए 1 चम्मच जीरा रात में पानी में भिंगोकर रख दें, फिर इसे सुबह उस पानी के साथ चबा चबा कर खा जाएं। ऐसा करने से आपका बेली फैट भी कम होगा और ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ेगा। इसके बाद है दोस्तों पपीता। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि पके हुए पपीते में सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना चाहती हैं तो पके हुए पपीते का सेवन कीजिए, या आप कच्चे पपीते का सब्जी बनाकर भी खा सकती हैं। इससे आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों 5वीं चीज़ है ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए दलिया। दलिया ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए सबसे अच्छा आहार है। इसके सेवन से ना सिर्फ महिला का ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, बल्कि इससे दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। जई की दलिया सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें आयरन की मात्रा भी भरपूर होती है, इसलिए डेली आप नाश्ते में दलिया का जरूर सेवन करें। इसके बाद है ड्राई फ्रूट्स का सेवन। बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स अस्तनों में दूध का उत्पादन बढ़ाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन्हें दूध के साथ खाने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इसके बाद है हरी साग सब्जियाँ। ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए आपको अपने भोजन में हरी साग सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। कद्दू की सब्जी ज़्यादा मात्रा में खा सकती हैं, क्योंकि कद्दू में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद है मेथी का सेवन। मेथी का सेवन शरीर के लिए बेहद ही लाभदायक होता है, खास तौर पर शिशु के जन्म के बाद मेथी के बीज खाने से स्तनों में दूध का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए मेथी का बीज सब्जी में डालकर या पानी में भिंगोकर भी खा सकती हैं, या आप मेथी का साग भी खा सकती हैं।
आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चीज़ें जिनका सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क तेज़ी से इंक्रीज होगा। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। वीडियो में बताए गए चीज़ों का सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क तेज़ी से बढ़ने लगेगा। फ्रेंड्स, महिलाओं में ब्रेस्ट मिल्क कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, डिहाइड्रेशन, अनिद्रा या अनहेल्दी फूड। इसलिए अपनी खान पान पर पूरा ध्यान दीजिए और पानी भी भरपूर मात्रा में पीजिए, ताकि आप अपनी नवजात को पर्याप्त स्तनपान करा सकें। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।